ऐसे लग रहा है जैसे कोई वॉइस रॉय आ रहा हो किसी मुल्क का कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। दुनिया के सारे चोर लुटेरे डाकू एक तरफ, पाकिस्तान का वजीर आजम एक तरफ। सलाम आएगा तभी जरदारी उसे नजात मिलेगी, वरना एक जरदारी जाएगा और दूसरा जरदारी आएगा। मियां साहब, अब आप और आसिफ जरदारी सुनामी का मुकाबला नहीं कर सकते। सब्र करें, आपकी पारी का इंतजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का अगर हम जिक्र करते हैं, मेमो गेट से बात जब इस्तिस्ना तक निकलती है तो लगता कुछ ऐसे है कि सियासत में खासी तब्दीली दिखाई दे रही है। मंसूर एजाज की पाकिस्तान आमद का जिक्र हो या कमीशन के सामने पेशी का जिक्र, और जिस तरीके से सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, कभी बटालियन मांगने की कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है फौज से मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांगी जाएगी, वजारत दाखिला की जानिब से कोई सिक्योरिटी काबिल कबूल नहीं होगी, और अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल पड़े कि मंसूर एजाज की पाकिस्तान आमद लगता कुछ ऐसे कि कोई वायसराय पाकिस्तान आ रहा है कि इस तरह की सिक्योरिटी का मुतालबा किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि मंसूर एजाज की पाकिस्तान आमद क्या एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी हलकों में कोई नया हंगामा खड़ा कर देगी, और उनकी आमद और कमीशन के सामने पेशी के हवाले से क्या मजीद मेमो स्कैंडल के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ये तो हम जिक्र करें मेमो स्कैंडल का, और रही बात इस्तिस्ना के हवाले से, जब हम बात करते हैं तो रिटायर्ड जज जस्टिस रमदे साहब का जिक्र आता है जो हुकूमत के बकौल, जैसे हुकूमत कह रही है कि फौजदारी मामलात में पाकिस्तान के आर्टिकल कानून का हवाला दिया जाता है 248 के मुताबिक, फौजदारी मुकदमात में सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल होता है। तो वो ये पॉइंट उठाते हैं कि अगर फौजदारी मुकदमात की बात की जाती है तो कल को फिर हर चोर डाकू को इस्तिस्ना देने की बात होगी, और मुल्क में लाकानूनियत भी इस हवाले से फैली जा सकती है। क्या हुकूमत के लिए इस्तिस्ना और मेमो, जो दो अहम मामलात का जिन्हें हम जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे ये स्कैंडल्स हैं या ऐसे मामलात हैं जिनसे हुकूमत को पार करना खासा कठिन या दुश्वार तरीन मरहला लग रहा है। दूसरी जानब इमरानी सुनामी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो खासे पुरजम दिखाई दे रहे हैं अगले आने वाले इलेक्शन में, और वो कहते हैं कि एक बॉल पे दो विकटें गिराएंगे, और सदर आसिफ अली जरदारी से ये मुतालबा करते हैं कि 5 अरब रुपए अगर बाहर के बैंकों में मौजूद हैं, अगर वो चोरी का पैसा नहीं है तो पाकिस्तान क्यों नहीं लाया जाता और सिलसिले में खत क्यों नहीं लिखा जाता। ये तो हम बात करें पाकिस्तान की सियासत की, क्या लगता है इक्तदार के ईवानों में तब्दीली दस्तक दे रही है, और मेमो से इस्तिस्ना तक का मामला कहां तक जाएगा, ये बात अगर चल निकली है तो लगता बहुत दूर तक जाएगी, और क्या वाकई ही इसी दो बुनियादी जो जिन मामलों का हम जिक्र करें पाकिस्तान में तब्दीली का बायस बन रहे हैं। इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से, मेमो के हवाले से भी हम जिक्र करेंगे, कुछ इस्तिस्ना का भी जिक्र होगा। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, सीनियर जज रह चुके हैं, सीनियर कानूनदान है, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सीनियर रुकन है, और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ महमूद रशीद साहब, सीनियर रहनुमा है PTI के, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। जस्टिस साहब, आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बोले कि एक आर्टिकल से हुकूमत नहीं गिर सकती, क्या वाकई आया ऐसा कोई सीन है, हम वो शॉर्ट अगर आपको सुना दे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और हुकूमतों के खिलाफ और खसूसन पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक जहर उगला है उसने, और अगर कोई आर्टिकल्स आ जाएं तो दुनिया क्या सोचेगी कि हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी के एक आर्टिकल के साथ हमारी हुकूमतें। जी नाज़रीन, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी कि किसी के एक आर्टिकल से हुकूमतें गिर सकती हैं, और बाहर बदनामी भी होती है, लेकिन मामला सब जुड़े से जस्टिस साहब, और कोर्ट में भी मामला गया, बहुत ज्यादा इस पर डिबेट भी, आप क्या कहते हैं, आपकी नजर में क्या वाकई एक आर्टिकल से हुकूमत गिराई जा सकती है? कि एक आर्टिकल से गिर सकती है या नहीं गिर सकती है डिफरेंट सवाल है। मुझे जिस बात का दुख है, हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है, आज से नहीं चल रहा ये, पिछले कम से कम 4 साल से जब जिससे यह हुकूमत आई है, वो ये है कि एक इशू जब सामने आता है ना तो सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है और सारे उस तरह मतवज्जा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें बीबी, किसी को ख्याल है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बिल्कुल, आंसर इज एब्सोल्यूट। देखिए 43% रकबा है उसका, आधा पाकिस्तान है आपका, ठीक है ना, और इतना सेंसिटिव और बेशुमार मसाइल आप देखें, आप मीडिया ही को देख लें, एक इशू जब उठता है फिर उसके बाद देखें ना, हमारा तो एक और प्रॉब्लम है कि एक जब जलजला आता है ना तो वो अभी हम हल नहीं कर पाते,
एक दूसरी क्यामत आ जाती है तो उसको भूल जाते हैं। ये नहीं है कि वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस को खत्म हो जाता है कि, लेकिन ये होता है कि ये खेल तमाशा चल रहा है। ये ठीक है कि ये इस हद तक मैं मानता हूं कि ये बात दुनिया के सोचे कि हम खुद हैरान हैं कि एक लेटर है उसने मुसीबत डाली हुई है। कोई भी इशू आप उठा के सर, ये लेटर की अगर जिक्र करते हैं तो आपके फिर आर्मी चीफ और फिर वो कन्फ्रंटेशन दूसरी जानब निकल जाती है। डीजी आईएसआई मुलाकात भी जाके उनसे करते हैं, फिर उसके बाद ये कहा जाता है ये एक हकीकत है, एफिडेविट जमा होते हैं कोर्ट में और फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें बाईपास करके ये स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, तो फिर ये बात तो फिर दूर तक जाएगी। बड़ी दिलचस्प बात है, दिलचस्प बात है। मिसाल के तौर पर आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि उस एजाज मंसूर की बात को क्यों यकीन किया जाए जो कि हमारे जो एजेंसीज हैं उसके खिलाफ जो सारी जिंदगी वो बकवास लिखता रहा या उनको बदनाम करता रहा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारी उसी एजेंसीज के जो चीफ हैं वो वहां पर तशरीफ लेकर गए हैं, ठीक है ना जी। और फिर जब पिटीशन दाखिल हुई है तो उन्होंने आगे सपोर्ट किया कि जनाब इसका जो है प्रोब होना चाहिए। तो गुजारिश ये हर जगह पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, लेकिन एक बात क्लियर है, देखें अब तो ये मामला इतना बढ़ गया, इसका प्रोब तो बहरहाल अभी होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि ये कौम जिस अजाब में मुतला है इससे बाहर निकलें। और मामला जब सिक्योरिटी की बात होती है, मियां महमूद रशीद साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी मेमो के हवाले से खासे एक्टिव भी रहे, इस पर ज्यादा बातचीत भी आप लोगों ने की, तो क्या जैसे मंसूर एजाज सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं कि इनको फौजी सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए हर हाल में, तो ये क्या होगा जब वो पाकिस्तान आएंगे, वजारत दाखिला उनको सिक्योरिटी देगी या फिर फौज की जानिब से सिक्योरिटी दी जाएगी, होगा तो होगा क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए आसमा, इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये मामला अब जितना गंभीर हो गया है और जितना अहमियत इख्तियार कर गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अब इसको किसी एक तरफ लगना है और ये उस वक्त तक किसी तरफ नहीं लग सकता जब तक इस सारे सीन के और इस सारे ड्रामे के दो किरदार जो हैं, एक हुसैन हक्कानी है, दूसरा मंसूर एजाज है। हुसैन हक्कानी तो यहाँ आ गए, उनसे रिज़ाइन ले लिया गया, उन्होंने सारा कुछ कहा, अब उसके बाद उसकी तहकीकात हो रही है। तो ये एक जो सबसे बड़े गवाह हैं इसके और सबसे बड़ा जिनका रोल है मंसूर एजाज, जब तक वो यहाँ आकर उस तहकीकात में शामिल नहीं होता तो दूध का दूध पानी का पानी कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनको खतरा पाकिस्तान आने से सिक्योरिटी मांगी जा रही है, सिक्योरिटी तो हर शहरी का हक है, वो यहाँ अगर आता है अमेरिका से स्पेशल किसी यहाँ इतनी बड़ी और इतनी अहम तहकीकात के लिए अगर वो आता है तो सिक्योरिटी तलब करना, ये मेरा ख्याल है कि उसका बुनियादी हक है कि यहाँ के जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर और जो बाहर की दुनिया में जो एक इम्प्रेशन है यहाँ पर दहशतगर्दी की जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो इस सिलसिले में हुकूमत को जो भी मुमकिन सिक्योरिटी हो वो उन्हें फराहम की जानी चाहिए और एक आज़ादाना माहौल उन्हें देना चाहिए ताकि वो भरपूर तरीके से जो भी वो सही समझते हैं इन तहकीकात के अंदर आकर वो मुआवनत करें ताकि ये मामला किसी एक तरफ लग सके। शर्मिला, आप ये उनका हक देंगे, आपकी हुकूमत देगी, वजारत दाखिला सिक्योरिटी देगी या फिर फौज की सिक्योरिटी दी जाएगी? देखिए आसमा, इस मामले को उसके मंतकी अंजाम तक तो पहुंचना अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना वावेला मच गया है कि अब पूरी कौम जो है वो जानना चाहती है कि जी असल मामला क्या है। अब मंसूर एजाज साहब अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उसे कई बार रिट्रैक्ट कर चुके हैं और पहले वो बड़े बुलंद वाला दावे करते थे कि जी मैं आने को तैयार हूँ, अब जब चाहें मुझे बुला लें, मैं फौरी आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं इस तारीख को नहीं आ सकता, इतनी तारीख के बाद आ सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे वीज़ा चाहिए, वीज़े की उन्होंने अप्लीकेशन ही दी थी, जिस दिन उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया उसी दिन उनको एक साल का मल्टीपल वीज़ा दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, देखिए हमने तो कभी मना नहीं किया कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। रहमान मलिक साहब खड़े होके बारहा कह चुके हैं कि जी उनकी सिक्योरिटी है, उनके लिए एक डीआईजी जो है वो मुख्तस किया गया जिसके साथ पूरी एक टीम है, लेकिन वो किसी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। उनके वकील जो हैं अकरम शेख साहब वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अब जिस फौज और एजेंसीज को वो गालियां देते थे, अब उनको चिट्ठी उन्होंने लिखी है कि जी हमें आप एक बटालियन दें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं कि उनको प्रेसिडेंसी में बुला के गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, क्यों कोई बटालियन दी जा सकती है कोई बाहर से? मैं ये जज साहब से पूछ लूं कि क्या कानून आइन क्या कहता है? कानूनी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर लेकिन एक बात इसमें प्रॉब्लम हो गया, ये जो कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है ना, उसमें इस किस्म का ऑर्डर दिया है
कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा जो है सिविल भी, और अटॉर्नी जनरल साहब का ये तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। मेरा ख्याल अटॉर्नी जनरल साहब को उस तरफ उस वक्त जो है रिजिस्ट भी करना चाहिए था कि बात बड़ी सीधी सी है कि देखें इवन 245 में ये तो आईनी पोजीशन है कि बुनियादी तौर पर सिविल इदारों का काम है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और अगर मिसाल के तौर पर एडिशनली उनकी मदद चाहिए होती है, जैसे कि बातों का लॉ एंड ऑर्डर कैसा सीरियस मसला हो जाता है, तो फिर वो भी सिविल इदारे वो सिक्योरिटी तलब करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक आदमी ने एयरपोर्ट से आना है, एक जगह रिहाइश रखनी है, फिर उसने कमीशन के पास इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना है और बयान देकर शायद एक आध रात वो रहेंगे और अगली पॉसिबल फ्लाइट से वापस चले जाएंगे, तो उसमें इतना ज्यादा के बटालियन हो, ये बात मेरी समझ से कम बालातर है। इसी पे हम बात करेंगे। सदीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किए, सीनियर रानवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सदीकुल फारूक साहब, ये मुतालबा जायज है कि फौजी बटालियन होनी चाहिए, फौज की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और जैसे जज साहब कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे खाली बयान देना और उसके बाद वापसी है उनकी, तो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों मंसूर एजाज को पेश आ रही? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अगर तो हालात नॉर्मल हों और पुलिस और रहमान मलिक साहब काबिल एतमाद हों, इस हकूमत में सबसे बड़ा आदमी इस वक्त का पीपल्स पार्टी का को चेयरपर्सन और सदर मुमलिकत पर कोई इल्ज़ाम ना आ रहा हो तो फिर तो ये मामला बड़ा आसान और बड़ा सादा है। हमारी पुलिस और एफआईए क्या कुछ करती रही है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए, किस तरह से तो मुझे जो ये बात समझ आ रही है कि उठवाया जा सकता है। मैं एक जुमला और अर्ज करूं ना जी, अब जब पार्टी का सबसे बड़ा आदमी और दूसरा आदमी सबूत लेके आ रहा हो एयरपोर्ट से अदालत तक, यहाँ बहुत कुछ लोग गायब हो जाते हैं, तो ये तो इसका मतलब मंसूर एजाज भी गायब हो सकते हैं। जी जी जी, तो इसका नहीं, गायब करने वाले तो फिर दूसरे भी हैं जिन पर बड़े सीरियस इल्जाम भी हैं। मैं ये सिर्फ कहूंगा कि जिस आदमी ने अदालत में पहुंचना है, अगर वो पुलिस कस्टडी में या एफआईए की कस्टडी में चला जाएगा तो वो उठवाया भी जा सकता है। पूरे इम्कान हैं कि उसके पास जो शवाहद हों वो उनसे ले लिए जाएं और बाकी फिर उसे कहें चले आप जाएं, आप अपना काम करें। शर्मिला, क्या ऐसा हो सकता है हुकूमत आपकी वजारत दाखिला के मातहत है, सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की पुलिस है, तो ऐसा किया जा सकता है मंसूर एजाज के साथ क्या? अस्मा देखिए, बात ये है कि जहां तक सिद्दीकुल फारूक साहब का ताल्लुक है, बेशक वो ये बात कह सकते हैं क्योंकि पिटिशनर्स इन्हीं की जमात से उनका ताल्लुक है, मियां साहब खुद अदालत पहुंचे हैं इस मामले को लेके, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इतनी वाइब्रेंट मीडिया के होते हुए, इतनी असर्टिव जुडिशरी के होते हुए, क्या आप समझती हैं कि ये मुमकिन है मंसूर एजाज कोई चूहा है कि वो एयरपोर्ट दाखिल होगा, उसको एफआईए पकड़ लेगी या शवाहद ले लेगी और उसको फिर बंद करेगी और मारेगी पीटेगी, बोलेगी अब जाओ कमीशन क्या क्या? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? मतलब ये मजाहिया बात में तो शायद अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमने हर फोरम पे उनको फैसिलिटेट करने की बात की हुई है, अब फैसिलिटेट करेंगे आप उनको, हमारी उनसे गुजारिश है ठीक है, वो प्लीज आप रिक्वेस्ट कर रही है। देखिए कोई चीज आज शर्मिला मुझे दूसरी तरफ आना है, ठीक है, बिल्कुल आप कह रही हैं उनको सिक्योरिटी देंगे, आप उनसे कह भी रही हैं खुदा रहा वो पाकिस्तान आप भी जाएं, कुछ हम जिक्र करते हैं इस्तिस्ना का। जस्टिस साहब मुझे ये बताते चलें, कल आपके सीनियर जज साहब थे जस्टिस अमदे साहब और फैसले में शामिल भी थे एनआरओ केस के हवाले से, वो खुल के बोले, वो तो ये कहते हैं कि इसमें तो फिर लाकानूनियत हो जाएगी 248 के तहत, अगर हम एक सदर को इस्तिस्ना देते हैं तो फिर सब लोग इस्तिस्ना मांगेंगे। देखिए माजरत के साथ रमड़े साहब जो है ना बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स हैं, आउट ऑफ कोर्ट जो है, और सच्ची बात है मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं और इज्जत भी बड़ी करते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है, देखें गुजारिश है जज साहबान, वैसे कोई मुजायका नहीं, अगर लीगल प्रोविजन देखें आप सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब से पूछ लेती हैं, आप वजीहुद्दीन साहब से पूछे कोई परेशानी नहीं, लेकिन गुजारिश है कि देखें जब एक जज एक जजमेंट दे देता है क्योंकि वो उस जजमेंट में मतलब शामिल रहे हैं, तो वो अपनी राय नहीं देखे ना, तो जब आपने जजमेंट दे दी ना तो फिर जजमेंट हो गई पब्लिक प्रॉपर्टी, अब पब्लिक प्रॉपर्टी में आप बगैर मिलाइन किए बगैर स्कैंडलाइज किए मतलब इन गुड फेथ और दलील के साथ अगर आप उसको चाहे उस पर बहस करते हैं इतराज भी करते हैं कोई मुजायका नहीं, आपको भी हक है मुझे भी हक है,
लेकिन गुजारिश ये कि जो जो उसमें जजमेंट लिखने वाले हों या जिनके उन पर सिग्नेचर हों, मैं समझता हूं कि उनको ना उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, और खास तौर पर ऐसे मौके पर। देखें ना, अब बात बड़ी सीधी है, उन्होंने जो कुछ फरमाया तो वो वही पॉइंट जो है अदालत जो है सात जज साहबान जो वो है करेंगे, वो उसको करने जा रहे हैं। लेकिन एक जज की राय है, वो एक सबक जज है, मैंने यही अर्ज किया ना, अगर तो वो उस जजमेंटों के में मतलब पार्टी ना होते, उसके उनके सिग्नेचर ना होते, तो फिर तो चलो मेरी तरह वो भी एक एक एक्सप्रेस कर सकते थे अपना ओपिनियन, लेकिन रिजर्वेशन के साथ। लेकिन बात ये है कि लेकिन चूंकि वो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, और अगर मैं गलत हूं तो मैं उनसे माजरत भी कर लेता हूं दोबारा भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको कम से कम इस पर, इस टॉपिक पर और उस जजमेंट पर खुद जो है ना तबसरा नहीं करना चाहिए था। और इन एनी केस ये बात जो है ना, चूंकि उनका बहरहाल एक वेट है, तो ये बात डेफिनेटली प्रेजुडिस भी कर सकती है किसी की बात को। हालांकि एक बात बता दूं, देखे मैं तो पहले ही दिन से मेरा ये था, प्राइम मिनिस्टर कभी मुसीबत में नहीं था, अब तो बिल्कुल ही फारिग हो गया। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फारिग है। देखे ना, गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा डिफेंस ले लिया है कि जनाब चूंकि 248 की इसने मैं इंप्लीमेंट नहीं किया, अगर कल को अदालत जो है अदरवाइज डिसाइड भी कर देगी सात दिन बहस सुनने के बाद और सात जज साहबान बैठ देंगे, तो वो कह सकते हैं जनाबे वाला आपने सात दिन बहस सुनी और सात दिन बाद इस नतीजे पर पहुंचे और पाकिस्तान में केस भी कोई नहीं चल रहा मिसाल के तौर पर, तो अगर मैंने मिसाल के तौर पर ये जो मुझे लीगल ओपिनियन दिया मैंने मान लिया, तो इसमें कोई बैड फेथ तो नहीं हो सकती, मुझसे गलती होगी। हाँ एक बात है, जब यह फैसला हो जाएगा फिर उनसे ये जरूर कहा जाएगा, अच्छा चलो ये तो हो गया, अब बताइए अब आप इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं, लेकिन उन पर कोई ऐसी तलवार नहीं लटक रही प्राइम मिनिस्टर आप। लेकिन दूसरी तरफ मामला जा रहा है, मामला दूसरी जानिब जा रहा है। मियां महमूदुर रशीद साहब, इमरान खान कहते हैं कि 5 अरब रुपए अगर मुल्क से बाहर है जरदारी साहब के हैं तो वो फिर वापस लेके आए आना चाहिए, इस्तिस्ना नहीं मांगना चाहिए, खत लिखना चाहिए, ये अब आपकी राय, आपकी जमात की राय है, लेकिन जब कानूनी और आईनी बहस होती है तो फिर कहा जाता है इस्तिस्ना आ जाता है, तो फिर होगा क्या फिर इस तमाम तस्सीन में? मेरा ख्याल है जी के पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म, सदर और जो वज़राए ममलिकत हैं, उन्होंने शुरू दिन से जो कोर्ट के फ़ैसलों को उसकी रूह के मुताबिक कभी भी उस पर अमल नहीं किया, उसकी दर्जनों मिसालें जो हैं वो दी जा सकती हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2 साल पहले का ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये इम्यूनिटी की बात थी तो ये इम्यूनिटी के सिलसिले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था। ये गली महल्ले चौकों चौराहों टॉक शोज के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। 240 जो हमारी 48(1) और 2 है उसमें इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं पास्ट के अंदर, ये फैसला भी जो उन्होंने किया है कि वहाँ स्विस गवर्नमेंट को खत लिखे जाएँ, तो ये सारी सिचुएशन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी और सुप्रीम कोर्ट अपने तय ये समझती होगी कि इस सारे पस मंजर के अंदर प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल नहीं है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया और ये इसको प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हुकूमत को कहा कि वो खत लिखें, और पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि उसी वक्त वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाते और इसकी इसकी जो इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट की उसके हवाले से वहां पर वो बात करते, नहीं खत ना भी लिखते, खत ना भी लिखते अगर, लेकिन लेकिन ये अगर कोर्ट में उसी वक्त चले जाते हैं, मामला सिर्फ ऑर्डर आया कि खत लिख दिया जाए, मामला इतना सादा नहीं, 2 साल लगा दिए गए। जी सदीकुल फारूक साहब, क्या वाकई इतना सादा मामला? जस्टिस साहब ने एक बात की, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले आर्डर दिया खत लिखने के बारे में और ये फैसला किया कि एनआरओ के मामले में कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी को, और फिर रिव्यू पिटीशन भी जो है वो भी रिजेक्ट हो गई, तो वजीर आजम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से बाला अपने आप को समझते हुए कौन सी अदालत लगाई? कब आईन ने उन्हें इंटरप्रिटेशन का हक दिया था कि जब सुप्रीम कोर्ट आर्डर भी दे, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए, फिर भी आप ये कहें कि मेरे नजदीक इम्यूनिटी हासिल है? ये वो पॉइंट है। तो इस बयान से जज साहब कह रहे हैं कि वो तो फारिग हो गए ना, वो फंसते नहीं है? जज साहब की अपनी राय है, मैं तो ये कहता हूँ फारिग कैसे हुए अदालत में उन्होंने आके, तो अदालत ये देखेगी अच्छा क्या वो इम्कान है, कोई है इम्कान कि आप अदालत सुप्रीम कोर्ट से जो दोनों मामला रिजेक्ट जब हो जाए फाइनली तो फिर आप अपनी एक जजमेंट जो है वो पास करें? वो नहीं कर सकते, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि एक एविडेंस आ रही है, हुकूमत रोक क्यों रही है अगर आने वाले को शक है और ये उसमें इनका कोई आदमी मुलव्वस नहीं है, उंगली तक नहीं उठाई जा सकती,
तो मैं तो समझता हूँ इन्हें खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए, आइए जी ये फौज का दस्ता आता है, आप उनको रिसीव करें, निगरानी में चले जाएं और जाकर सबूत पेश करें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। मसला क्या है? मसला तो यही, इसी पे डिबेट हम करें कि मसला क्या है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्रॉब्लम है और इस तस्ना पे क्या ये डिबेट आगे कहां तक जाकर रुकेगी और क्या प्राइम मिनिस्टर सेफ हो गए ये बयान देकर या फिर उनके लिए मुश्किल तरीन मराहल जो है वो आगे आना बाकी, इससे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है इम्यूनिटी के हवाले से और जब फौजदारी मामलात की बात होती है और जस्टिस रमदे साहब की, जैसे हमने मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि इस तरह तो फिर हर एक इम्यूनिटी मांगने की कोशिश कर सकता है, मुल्क में लाकानूनियत भी फैल सकती है। शर्मिला आप लोग करेंगे क्या, जैसे प्राइम मिनिस्टर तोहीन अदालत में ये डिबेट ये हो रही थी और जाके उन्होंने वहां ये स्टेटमेंट दिया कि जी सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है आर्टिकल 248 के तहत, इसलिए खत नहीं लिखा। खत लिखने में उजर क्या था? अगर मामला इतना सीधा था, इतना सादा था तो एक खत की बात थी, खत क्यों नहीं लिखा गया? फिर अस्मा उस दिन हियरिंग वाले दिन आप भी अदालत में थी और मैं भी थी और आपने देखा कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई हैं बड़े अच्छे माहौल के अंदर हुई हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स सामने रखी हैं एतजाज अहसन साहब ने वो भी आपने देखी, लेकिन जो बेंच का जो व्यू था वो यही था कि 248 को डिस्कस किया जाए। अभी जस्टिस साहब भी बात कर रहे थे और आपने भी गुफ्तगू की कि जी तशरी करने की बात है कि आर्टिकल 248, बहरहाल अब वो तो पहली तारीख को डिस्कस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन मैं एक सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि 17 अमेंडमेंट के हवाले से एक जजमेंट आया था 5 मेंबर बेंच का और उसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी एक मेंबर थे और उसका पेज नंबर 52 पैरा 75 मैं थोड़ा सा 4 लाइनें पढ़ के बताना चाहूंगी। उसमें ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट विल परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, इट विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेन मीनिंग, इफ द वर्ड्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इट नीड्स नो एक्सटर्नल एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन। अब इसमें ये है कि अगर आर्टिकल 248 की अगर आप प्लेन सिंपल रीडिंग करें जो आप और हम करते हैं बहसियत एक ले पर्सन की, तो उसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल है। अब जो प्राइम इम्यूनिटी हासिल बात तो इम्यूनिटी हासिल है, गाइडेड बाय द पॉइंट उठाया था, आर्टिकल 25 का हवाला दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हवाला दिया जाता है, बात आ जाती है इस्लामिक कानून के हवाले से, इस्लाम की नजर में सारे शहरी बराबर है, फिर वो कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी रखा जाएगा होनी चाहिए। जी देखिए, लेकिन इसके बावजूद अगर बेंच ऑनरेबल बेंच ये समझता है कि इसकी मजीद तशरी होनी चाहिए तो जाहिर बात है उन्होंने जिस तरीके से डायरेक्शन दी तो है, आप तशरी पे जाएंगे, 2 साल तो ऐसे जाएंगे, अब आप तशरी पे जाएंगे शर्मिला, 2 साल तो चले गए, मैंने अदालत ने भी कहा 2 साल, देखिए अब मैं तशरी पे जाएगी आपकी हुकूमत। देखिए उस एनआरओ डिसीशन का जो जजमेंट आया था उसका सिवा इस पोर्शन के जहां पर प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी हासिल है उसके अलावा उसके ऊपर 100% अमल हुआ है, तमाम के तमाम लोग जिन पे मुकदमा थे वो खुल गए, वो अदालतों के सामने गए, बरी हुए, जिनको सजा मिली, जो भी आपके सामने, यू पीपल हैव बीन फॉलोइंग इट, मीडिया हमेशा होती है वहां पर। लेकिन ये जो पोर्शन है जहां पर इम्यूनिटी की बात है और ये जो मैंने जजमेंट का आपको हवाला दिया, जस्टिस साहब इस पर बेहतर बात कर सकेंगे, लेकिन ये जजमेंट मैंने पढ़ी है, देखी भी है और उसमें लिखा है कि जहां पर कोई वर्ड्स आर क्लियर और कोई एम्बिग्यूटी नहीं है वहां पर दे विल बी गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही कहती है, अब अगर बेंच ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम करनी चाहिए, मैं वो कर देंगे। जस्टिस तारिक साहब से हम रोजाना बहुत डिबेट सुन रहे हैं, हम इस्लामी आयन का कानून का हवाला दे रहे हैं, हजरत उमर की मिसाल भी हम बार बार सुनते हैं और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है करारदाद मकासद आर्टिकल 2A उसकी मिसाल भी हमारे सामने रखी जाती है, तो फिर मामला कॉम्प्लिकेटेड कहां आके होता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, पहली बात तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर ये इतना ही आसान हो जाए हर चीज तो बात ये है वकीलों की रोजी तो खत्म हो गई ना, लेकिन ना ये तो फारिग हो गए ना सारे। गुजारिश ये जो कुछ बीबी पढ़ के सुना रही थी ये भी अपनी जगह पर है, ये ठीक है 5 मेंबर बेंच था उसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे, सारी बातें और ये बार बार कही जाती है, लेकिन बात यह है कि अब यही तो सवाल अदालत के सामने है जो आप फरमा रही है ना, लेकिन मिसाल के तौर पर उससे हटके चलें, अगर मिसाल के तौर पर कोई इस किस्म की उन्होंने बात कह दी कि उन्होंने कहा कि जनाब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देखें एक पॉसिबल व्यू तो हो सकता है, मान लीजिए वो कहें जनाब हम 248 को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पहली बात यह है कि किसी भी कानून या किसी को जो आईनी प्रोविजन को इन्वोक करने से पहले, इंटरप्रेट करने से पहले एक काम और करना पड़ता है
कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, और अगर पहले फैक्ट्स डिटरमिन हो जाते हैं फिर उसके बाद देखा जाता है कौन सा लॉ अप्लाई करता है। अगर उन्होंने कोई ऐसा रास्ता अपना दिया जिसका सरमद उस्मानी साहब ने जिक्र भी किया कि भाई मिसाल के तौर पर ये 248 को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर पढ़ा जाए उन तमाम हकायक के तो ये पता चले कि हम तो इसमें जाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा। तो गुजारिश है ये काम उन्होंने करना है, अब इसमें ज्यादा बहस मुनासिब नहीं है। इतजाज साहब को बहस कर लेने दें। और एक बात शमीला ने बहुत अच्छी की, इन्होंने इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि उस दिन अदालत का बहुत अच्छा माहौल था, और इससे कम से कम ये जो है ना एक इन पर इल्जाम है कि ये जब अदालत में जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि हमारे खिलाफ, तो ये बात भी खत्म हो गई और बहुत तहम्मुल से सुना भी जाएगा और उसके बाद अल्टीमेट नतीजा पहुंचेगा। नतीजा तो सबके सामने आएगा, मामला सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इम्यूनिटी मांगी जाएगी, क्लेम किया जाएगा, आर्टिकल 248 रखा जाएगा। लेकिन हम जब ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं तो एक ही मुतालबा सबका आता है, सियासी जमातों का या आपकी जमात का, दीगर सियासी जमातों का, पाकिस्तान के 60 मिलियन डॉलर्स वापस लाए जाए। आसमा चौधरी, हेलो जी मियां साहब जी, अच्छा मियां साहब के पास चलेंगे। मियां साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मियां महमूद रशीद साहब जी जी जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है। देखिए बात, देखो मैंने ये सवाल उठाया था कि 60 मिलियन डॉलर्स फिर कौन लाएगा। जी 60 मिलियन डॉलर्स वो पाकिस्तान की कौम की अमानत है, पाकिस्तान से ये सरमाया बाहर गया है, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हमारे इकोनॉमिक जो हालात हैं वो इंतहाई दगरगूँ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि यह कौम की अमानत वापस हर सूरत आनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा जो एक स्विस बैंक के यहाँ डायरेक्टर आए थे, उन्होंने कहा था तकरीबन 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों का वहाँ स्विट्ज़रलैंड में पड़ा है, हमें उससे भी आगे बढ़कर नैब को, सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो बैरूनी मुल्कों के अंदर हमारा 100 अरब डॉलर मुख्तलिफ लोग वहाँ लूट कर ले गए हैं, उनकी वापसी के लिए यहाँ पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और उस रकम को भी वापस लाने का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की कौम, मकरूज कौम जो है वो अपने कर्जे उतार सके और हमारे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये करेगा कौन, ये इब्तदा कौन का, यहाँ तो खत नहीं लिखा जाता तो आप कह रहे हैं करोड़ों। देखिए ये असल तो उन्हीं लोगों का काम है जो इस वक्त कौम को, जिन लोगों ने मैंडेट दिया था। अब हालात ये हैं, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली टोटल इनका डिजास्टर है और ग्रॉस रूट लेवल से लेके ऊपर तक इनका वोटर इन्हें छोड़ चुका है, इनका सपोर्टर इन्हें छोड़ चुका है, हर लेवल पे, हर पहलू में इन्होंने डिटेरिएट कर दिया पूरे सिस्टम को, इसलिए तो लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। और ये आइंदा इंतखाबात तो में आसमान देखिएगा कि इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलने, ये बुनियादी तौर पे तो इन्हीं का काम था ना, ये हुकूमत का काम था। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बिलफर्ज़ अगर इलेक्शन जीत गए और जिस तरीके से ये बात करते हैं कि जी हम इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे तो इनका फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा? सरदार आसिफ होंगे, शाह महमूद कुरैशी होंगे या खुर्शीद कसूरी कुरैशी हैं? बड़े बड़े नाम हैं खुर्शीद कसूरी, दो तो इनके अपने हो गए ना, लेकिन तो तीसरा लेकिन तीनों नहीं, लेकिन हाँ हमारे अपने बिल्कुल थे, लेकिन आपने उन पे बड़ा इख्तलाफ रखा, आपने उनकी पॉलिसी पे, उनकी डिस्पेंसेशन पे बड़ा इख्तलाफ रखा। जी मियां साहब मुख्तसर जवाब देंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है और मैं सदीकुल फारूक साहब से भी बात करनी है। पार्टी फैसला करेगी इनमें से कुछ, इनके अलावा नए जो लोग हैं हमारे पास बहुत बेहतरीन दिमाग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, जो भी लोग होंगे वो पार्टी बेहतर समझेंगे। इतने साल मैं ये समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब, शर्मिला आप मुझे बात करने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, जब आपकी बारी आएगी आप बोल जरूर बोलिएगा। आप देखिए खुदा के लिए जब जलसा करते हैं आप देखिए ना, आप फिर बातें, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, दे देंगे आपकी जब बारी आएगी ना आप बोल लें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक मेरी दोनों से गुजारिश है, फिर अब चल निकली इमरान खान की सुनामी की जानिब। इसी पे हम मजीद बात करेंगे कि इमरानी सुनामी जो है कि वाकई इंकलाब लेके आ रहा है पाकिस्तान में या तब्दीली का बायस बन रहा है, इस पर बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़िम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी मेमो से इस्तस्ना की जानेब और फिर कुछ इमरानी सुनामी का जिक्र भी आता है कि शायद पाकिस्तान में तब्दीली इनकलाब की जानेब, तहरीक इंसाफ जो है एक नया इनकलाब लेकर आ रही है पाकिस्तान में। जस्ट सब आपको क्या लग रहा है, सियासी मामलात को हम मेमो को लेते हैं, इस्तस्ना को लेते हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में हलचल रही, दूसरी जानेब इमरान खान का जो इनकलाब है, तो क्या ये दो बातें जो मेमो और इस्तस्ना हुकूमत की तब्दीली या जाने का बायस बनेंगी या अर्ली इलेक्शन का बायस बनेंगी? देखिए बीबी एक बात तो, इलेक्शन ये वजह हो या ना हो, इलेक्शन तो
होने हैं तो उसमें तो कोई और एक और बात है। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी वाले भी चार साल तकरीबन हो गए हैं अगर ये फैसला कर ले, बल्कि कल वहां के वसान साहब ने शायद ऐलान भी कर दिया, 18 अक्टूबर की डेट भी दे दी उन्होंने। और मैं ये देखे अक्टूबर की डेट जो है ना मुझे काफी रीजनेबल लगती है, उसकी वजह बता दूं मैं इत्तफाक से मेंबर इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान में गर्मियों में इलेक्शन नहीं हो पाते, उसकी वजूहत है, गर्मी भी है, सैलाब का खतरा भी रहता है, ठीक है ना। और देखें अभी तक लिस्टें कंप्लीट नहीं है तो जो वो शेड्यूल दे रहे हैं तो लगता ये है कि अगर बहुत ही वो उस पर प्रेशर डाला जाए तो हो सकता है अप्रैल में हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं नजर अभी आता। तो हाँ, नहीं है ना, यही मर्ज कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर जो है ना ये इसमें कोई इलेक्शन की पॉसिबिलिटी, तो कौन सी जमात तब्दीली का बायस बन रही है? देखे बीबी बात ये ना, ये जरा भी मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें एक दफा मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, एक दफा लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है फिर कोई ऐसी वेव चल पड़ रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं एक बात को इंश्योर होना चाहिए, इस दफा को ऐसा काम हो जाए कि इलेक्शन जो है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सिर्फ और जगह नहीं हर जगह इंक्लूडिंग कराची में लोग बगैर किसी खौफ के और आजादी के साथ और जाके अपने वोट कास्ट करें और उनका पूरा पूरा मौका दिया जाए। और एक बात मैं ये मियां साहब जो फरमा रहे थे ना 100 बिलियन की, देखिए 100 बिलियन से ज्यादा मसला भी हो सकता है, लेकिन मसला यह है कि आपको सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। बर्तानिया ने कर ली है, इंडिया ने कर ली है, स्विट्जरलैंड ने कर लिए, अमेरिका वाले कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होगा कि 100 बिलियन अगर वहां तो सारे वापस आ जाएंगे, होगा ये कि जनाब इस पर आप टैक्स अदा करें तो पैसा काफी है, लेकिन ये है कि ये अलग बात है कि अगर वहां पर वही लोग पार्लियामेंट में आ गए तो वो फिर कैसे वापस, तो फिर वो कैसे। ये सवाल उठाती हूं सिद्दीकुल फारूक साहब से और शर्मिला से भी यही सवाल करूंगी, क्योंकि ये दो बड़ी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद है। सिद्दीकुल फारूक साहब, 18वीं तरमीम हमने आई देखी, 20वीं तरमीम की तैयारियों में है इस वक्त सारे के सारे, तो ये फिर उसमें ये क्लॉज ये शिक क्यों नहीं रखी गई बैरून मुल्क जो पैसा पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी अकाउंट जो मौजूद है वो पैसा लाया जाए ना पाकिस्तान में, सारी सियासी जमातें ये कर सकती हैं। मैं इस पे बात करता हूं जी बिल्कुल, लेकिन हमने इतनी जो बहस की मैं ये करूंगा कि नवाज शरीफ साहब भी क्यों ना हो, अच्छा अगर एरर ऑफ जजमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर या सदर मुमलिकत के तौर पर कोई एरर ऑफ जजमेंट हो को फैसले में फिर तो इम्यूनिटी हासिल हो सकती है, लेकिन अगर कोई क्राइम करेगा फिर तो मैं समझता हूँ कोई नहीं, और फैसला बहरहाल अदालत ने करना है, वैसे हम करते रहेंगे। हाँ, ये तो सिविल और फौजदारी हमारे सामने आ जाता है। काला रुपया, हाँ जी काले रुपया का मतलब ये जो 6.5-6 अरब रुपए हैं, पाकिस्तान जिसकी 12,000 अरब रुपए कौमी आमदनी है उसका 15-20-25% लोगों की जेबों में 3,000 अरब जाता है, 6 अरब से उसका कुछ बनना नहीं है, लेकिन बात करप्शन की है ये, या जो भी रुपया काला बार गया हुआ है वो किस तरीके से आता है, तो इसकी लेजिस्लेशन क्यों नहीं की, अदालत ने की है तो अठारहवीं तरमीम पे हमने कंसेंसस देखा, हर शिक को इसमें डाला गया, माना गया, कंसेंसस हुआ, फिर ये क्यों शिक नहीं रखी गई? देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, चंद मुझे अपने चंद सेकंड और दे दें। मैं ये कहता हूँ कि अब अगर बिस्मिल्ला जो है वो अदलिया के जरिए ही होती है और यहीं से रिकवर होता है काला रुपया, तो ये होना चाहिए, और जो काले रुपए के कमाने के बाहर ले जाने के जिम्मेदार हैं सिद्दीकुल फारूक हो, जस्टिस साहब हो, आप हो, या कोई बड़े से बड़ा सियासतदान, अब उसको सजा भी मिलनी चाहिए और रुपया भी वापस। ये काला रुपये में तो खत आड़े आ जाता है, काले रुपये में तो खत आड़े आ जाता है, तो फिर क्या होगा जी? काले रुपये में तो एक खत भी आड़े आ नहीं, खत तो लिखा जाएगा, ये मैं आपसे अर्ज करूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसके फैसले की तौहीन जिस तरह से भी हुई है, मजाक उड़ाया गया है या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आप जिन्होंने ये नहीं किया उन्होंने आईन के मुताबिक जिम्मेदार बनना है, उनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सजा मिलनी चाहिए। शर्मिला लगता है आपको सजा मिलेगी, ये जुर्रत ना कर सके। शर्मिला लगता है कुछ सजा मिलेगी, हम तो बड़ी डिबेट कर रहे हैं और इस्तिस्ना सामने आ जाता है और सारे इसमें मुत्तफिक है जी, 248 और सिविल हो या चीजों में जब इसको मिला के करारदाद मकासे दिया नहीं, चले वो भी सामने आ जाएगा पैसा वापस जी। देखिए अस्मा, इस मुल्क में जिस जिसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने जुर्म किया है उसको बिल्कुल मिलनी चाहिए और अदालत के जरिए मिलनी चाहिए। इस आजाद अदलिया का मकसद और मतलब ही यही है कि जो आम आदमी है उसके मसाइल हल हों। फ्री इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जस्टिस जो है वो एक आम आदमी के घर तक भी पहुंचे। चीफ जस्टिस साहब कराची में थे, बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया कि वो
जो एक मेंटली चैलेंज जो एक लड़का था जो 12 साल से जेल में था उसकी रिहाई उनके कराची आने पे अमल में आई। ये अच्छा एकदम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा एकदम है। अच्छा। लेकिन देखिए जहां तक बात है, हम बड़े आसानी से बैठ के टेलीविजन चैनल पे कह देते हैं फलां का काला पैसा, फलां का सफेद पैसा, अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता। बात यह है, आपने 20वीं तरमीम की भी बात करी आसमा, अगर एमक्यूएम 25 सीटों के ऊपर 20वीं तरमीम के लिए मूव कर सकता है तो मुस्लिम लीग नवाज जो है 92 सीट्स के ऊपर क्यों नहीं मूव करती? लेजिस्लेशन ले आए कि जी जिसका काला पैसा जो बाहर पड़ा हुआ है, लेजिस्लेशन लेकर हम उसे सपोर्ट करेंगे, वी विल सपोर्ट इट। हुकूमत है, उन्होंने नहीं कुछ करना जी आसमा, हमने मूव करनी है। अरे बात सुने, सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरी बड़ी छोटी सी इल्तिजा है, आप पता नहीं अपने आप को अपोजिशन में क्यों समझते हैं? आप पंजाब के हुक्मरान हैं, होल एंड सोल हैं, 62% आपने पाकिस्तान का अपने पास रखा हुआ है। मियां साहब आपको क्या लग रहा है, आप अलग करेंगे? मियां साहब और आप क्या दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं ये आपस में मुकमका इन्होंने किया हुआ है, ये दोनों जानती हैं, इसमें मुस्लिम लीग क्यों भी शामिल है, इनके लीडरों ने अरबों खरबों रुपया इस कौम का लूट के बाहर पहुंचाया हुआ है, और इन दोनों, आप मुझे बात करने दीजिए, और ये दोनों जमातें जो है कभी इस पर लेजिस्लेशन नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। इन्होंने मुकमका किया हुआ है, आवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वो इमरान खान वापस लेके आएगा, पीटीआई जब जीतेगी तो लेजिस्लेशन करेगी, लेजिस्लेशन के अमल से हम ये लूटा हुआ पैसा जो है बाहर से लेके आएंगे। ये पिछले 4 साल हो गए हैं, बाकी सारे चीजों के ऊपर इन्होंने कानून साजी कर ली है, लेकिन ये जो डाके इन्होंने डाले हुए हैं इस मुल्क के लोगों का पैसा लूटा हुआ है उसके लिए ये लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, ये उसकी वापसी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे, ये शर्मिला मेरी बात नहीं सुनेंगी। इसलिए मेरे पास वक्त की कमी, आखिरी बात करेंगे, पैसा वापस आएगा नहीं आएगा ये इस्तिस्ना ही रहेगा मुख्तसर अंतर। पैसा आने तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन इम्यूनिटी का फैसला बहरहाल हो जाएगा, इम्यूनिटी का फैसला बहरहाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका, शुक्रिया शर्मिला आपका, शुक्रिया मियां साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब। बात हुई इस्तिस्ना के हवाले से, मेमो स्कैंडल हुकूमत के लिए खासी परेशानी का बायस है, आने वाले चंद दिनों पाकिस्तानी सियासत में खासे अहम हो सकते हैं, इस पर हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।